इसराइल की ताकत से हिंदुस्तान को मिलेगा दम। इसराइल के हथियार से हिंद के दुश्मनों पर होगा वार। इसराइल के रक्षक अब बनेंगे भारत के सीमा बैरियर। हिंदुस्तान के बेड़े में इसराइल के ऐसे हथियारों की ताकत शामिल होने वाली है जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। इसराइल के पास ऐसे ऐसे अचूक योद्धा है जो दुश्मनों को अपनी सीमा में फटकने से पहले ही नेस्त नाबूद कर देते हैं। इसराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ ऐसा बारूदी चक्रव्यूह बना रखा है जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। इसराइल अपने हथियारों और तकनीक के जरिए ही आतंक के हर बार को खाक में मिलाने का दमखम रखता है और इसराइल के यही रक्षक अब हिंदुस्तान के दुश्मनों पर भी मौत बनकर टूटने वाले हैं। जल्द ही इसराइल के साथ भारत हथियारों का बड़ा करार करने वाला है जिसके बाद हिंदुस्तान की तरफ नापाक निगाह डालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकेगा। भारत और इसराइल के रक्षा संबंध अब कुछ इस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इसराइल ने यह तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तमाम रक्षा सौदों को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो $2 बिलियन की डील भारत और इसराइल ने साइन की है जिसके तहत तमाम सिक्योरिटी सिस्टम्स भारत को दिए जाएंगे, ये डील मेक इन इंडिया के तहत अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई ऐसे और रक्षा मसौदे हैं जो कि भारत और इसराइल के बीच किए जाने हैं, उन रक्षा मसौदों में भी मेक इन इंडिया पर ज़बरदस्त जोर दिया जा रहा है। ये दरअसल अपने आप में इत्तेफाक नहीं है कि अमेरिका और रूस के बाद इसराइल दरअसल तीसरा वो देश है जो भारत को सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण और साजो सामान मुहैया कराता है। ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी के तेल अवीव दौरे के वक्त इसराइल के साथ दो बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। भारतीय नौसेना के लिए बराक 8 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली और स्पाइक टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद का सौदा हो सकता है। इसके मुताबिक मीडियम रेंज वाले बराक 8 सैम सिस्टम विकसित किए जाएंगे जिसके बाद भारतीय सेना के एक रेजिमेंट को 16 लॉन्चर्स और 560 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसी साल भारत ने सेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मध्य श्रेणी की एक मिसाइल को इसराइल के साथ संयुक्त तौर पर विकसित करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दे दी थी। इस डील का औपचारिक ऐलान भी पीएम मोदी के इसराइल दौरे में किया जा सकता है। इसराइल और हिंदुस्तान के बीच समानताएं कई हैं। इसराइल और भारत दोनों ने मिलकर आतंक और आतंकवाद के कहर को झेला है। दोनों देशों के आसपास ऐसे पड़ोसी हैं जो कि उस देश की यानी कि भारत और इसराइल के इतिहास को पूरी तरीके से रौंद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसराइल की यात्रा पर इसराइल पहुंचेंगे तो उनकी बातचीत के दौरान आतंकवाद का मसला तो हावी रहेगा ही, सबसे बड़ा रहेगा रक्षा मसौदों का मसला। भारत बड़े पैमाने पर इसराइल से रक्षा संबंधी उपकरण और सैनिक साजो सामान खरीदता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कई ऐसे रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके दम पर भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों सेनाओं को जबरदस्त बल मिलेगा। सैम सिस्टम को 40,000 टन वजन वाले भारतीय एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाना है। जानकार मानते हैं कि सैम सिस्टम की ताकत भारत को मिलने से आसमानी सुरक्षा में हिंदुस्तान काफी मजबूत हो जाएगा। इसराइल जो है उसकी वेपन इंडस्ट्री जो है बहुत एडवांस्ड है, चाहे उसकी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की बात हो, चाहे उसकी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात हो, सी एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, और जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर टू एयर लॉन्च टेक्नोलॉजी सब की बात है, इसराइल इसमें बहुत बढ़त हासिल कर रखी है। और इसराइल भारत को सप्लाई कर सकता है, जैसे बराक मिसाइल की बात आई है, इसराइल भारत को सप्लाई करेगा, नेवी को सप्लाई करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस सर्फेस टू एयर मिसाइल जो देने की बात कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। साफ है कि इसराइल के साथ दमदार दोस्ती से हिंदुस्तान खुद को इतना मजबूत करेगा कि आने वाले वक्त में जमीन से लेकर आसमान और पाताल तक दुश्मन कहीं भी छिपा होगा तो उसे आसानी से खत्म किया जा सकेगा। अजय कुमार, तेल अवीव, इसराइल, न्यूज नेशन। इसराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भारत सरकार ने $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा किया है और हिंदुस्तान अब IAI से
बराक 8 मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है। अब जरा आपको बराक 8 मिसाइल सिस्टम की खूबियां समझा दें। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे आप काउंटर डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम कहते हैं। अगर कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान की तरफ आ रहा हो और वो हिंदुस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, बराक मिसाइल सिस्टम उस मिसाइल को सबसे पहले उससे चिन्हित करेगा और उसके साथ साथ उसे ट्रैक करने के साथ साथ उसे तुरंत काउंटर मेजर लेते हुए, यानी कि एक दूसरे मिसाइल को प्रक्षेपण को वहाँ भेजकर तुरंत आने वाले मिसाइल को नेस्तनाबूत कर देगा और ये सब कुछ पलक झपकते हो जाएगा। इसकी तेज़ी इतनी ज़बरदस्त है कि मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट के भीतर ये सब कुछ हो जाएगा। इसे कहते हैं तकनीक, और इस तकनीक से लैस होने के साथ ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था, खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था, पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। भारत सरकार ने यह करार किया है जिसके तहत सबसे पहले इसे थल सेना को दिया जाएगा और उसके बाद फिर नौसेना को भी बराक 8 मिसाइल सिस्टम दिया जाएगा, जो कि नौसैनिक बेड़ों पर लगाए जाएंगे ताकि समुद्री सुरक्षा भी हो सके। अपने आप में ये बेहतरीन वेपन सिस्टम है जिसे भारत खरीद रहा है और बहुत जल्द हमारे न सिर्फ थल सेना को बल्कि नौसेना को भी बराक 8 मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, एक ऐसा जंगी योद्धा जो पलक झपकते ही दुश्मन पर टूट पड़ता है। जिसकी ताकत इतनी है कि वो जमीन से ही हवा में मंडराते खतरे को ढेर कर सकता है। ये एक ऐसा रणबांकुरा है जो कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को टारगेट कर तबाह कर देता है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम भारत और इसराइल ने मिलकर विकसित किया है और बहुत जल्द यह मिसाइल हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख शस्त्र बन सकती है। बराक 8 मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल है। यह मिसाइल 500 मीटर से 70 किलोमीटर के टारगेट पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है और अभी इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। इस मिसाइल सिस्टम में 250 किलोमीटर रेंज के सैकड़ों टारगेट की निगरानी करने वाला रडार है। यह रडार खुद खतरा भाप कर आगे के एक्शन का कमांड दे सकते हैं। इस मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर और वजन 275 किलोग्राम है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड 680 मील प्रति घंटा है। इसराइल भारत को सप्लाई कर सकता है, जैसे बराक मिसाइल की बात आई है, इसराइल भारत को सप्लाई करेगा, नेवी को सप्लाई करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस सरफेस टू एयर मिसाइल जो देने की बात कर रहा है, इसराइल कर रहा है। हिंदुस्तान उससे टेक्नोलॉजी ले रहा है, इसराइल के साथ जॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। अनेकों इसराइल की कंपनियाँ भारत को मदद करने को तैयार हैं। यह मिसाइल किसी एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, यूएवी फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर से छोड़े गए हथियार को हवा में ही मार गिरा सकती है। दिन रात और सभी मौसम में यह मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट पर अटैक करने की ताकत रखता है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण इसराइल के नेवी शिप और भारत के फाइटर प्लेन से भी हो चुके हैं और अभी कई टेस्ट होने बाकी हैं। पिछले साल 30 जून और 1 जुलाई को एमआर सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल को बराक 8 मिसाइल का वेरिएंट माना जाता है। इसे बराक 8 मिसाइल का एयरफोर्स वर्जन माना जा सकता है। यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। जानकार मानते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम की वजह से भारत को दुश्मन पर निगाह रखने और समय रहते अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करने में मदद मिलेगी। एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में और मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ के मामले में इसराइल भारत का एक बहुत ही क्लोज पार्टनर साबित हो सकता है, और इस संबंध में हम इसराइल से लगातार बात कर रहे हैं। और यदि हम इस तरह के समझौते कर पाते हैं इसराइल से और इस तरह के इक्विपमेंट्स ले पाते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छा होगा। बराक 8 मिसाइल सिस्टम नौसेना पोत, तटीय रिफाइनरी और अन्य रणनीतिक संस्थानों की सुरक्षा करेगी। नेवी के लिए सिस्टम को दिसंबर 2005 में मंजूरी दी थी, जबकि भारतीय वायुसेना के लिए फरवरी 2009 में मंजूरी दी गई थी।
लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हो पाई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। अजय कुमार, तेल अवीव, इसराइल, न्यूज नेशन। इसराइल और भारत के रक्षा संबंधों की बुनियाद नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त रखी गई थी, और उस समय से लेकर आज तक ये बुनियाद और मजबूत होती चली गई है। चाहे आप यूएवी की बात करें, रडार सिस्टम्स की बात करें, असॉल्ट राइफल की बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तमाम तरह की गैजेट्रीज की बात करें, स्कैनर्स की बात करें, हिंदुस्तान इन तमाम हथियारों के और उपकरणों की खरीद इसराइल से कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे दोनों देशों के संबंध कम से कम भारत की सुरक्षा के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। अवाक्स रडार एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी मदद से दुश्मन के इलाके में भीतर तक नजर रखी जा सकती है। यह इसराइल ने डेवलप किया था, लेकिन अब भारत इसराइल के सहयोग से इसे डेवलप कर रहा है। भारत ने इसराइल से 3 अरब रुपए की लागत में 3 अवाक्स रडार खरीदे हैं। पहला अवाक सिस्टम 2009 में भारत पहुंचा था। ये एक तरह का रडार है जो बोइंग साइज हवाई जहाज की पीठ पर लगाया जा सकता है। 400 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाला कोई भी विमान इसकी नजर से बच नहीं सकता है। एयरक्राफ्ट बेस रडार सिग्नल प्रणाली के कारण अवाक्स 360 डिग्री कवर करता है। हवा में ज्यादा ऊंचाई पर लड़ाकू विमान, मिसाइल, जमीनी जंग और पानी में तैरते जहाज समेत पनडुब्बी पर भी नजर रखता है। अवाक्स पल भर में बता देता है कि कौन सा विमान दुश्मन देश का है, और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें भी इसकी नजरों को धोखा नहीं दे सकती है। इसको दोबारा ईंधन भरने के लिए जल्दी जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है। यह सीमा का रक्षक है जो दुश्मन की नजर से बचकर हर हलचल पर पैनी निगाह रखता है। सरहद पर जासूसी और निगरानी के लिए काम आने वाला यूएवी सर्चर 2 इसराइल में बना है। सर्चर 2 इसराइल में 1998 में विकसित किया गया, जिसके बाद भारत ने भी इस टोही विमान को खरीदा था। लंबी दूरी के सर्विलांस और सटीक निशाने के लिए सर्चर 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्चर 2 सर्विलांस के अलावा टारगेट पर बेहतर ढंग से निशाना लगाने में माहिर है। सर्चर 2 विमान 125 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, और एक बार उड़ान भरने पर यह 20 घंटे तक 300 किलोमीटर के दायरे की लगातार निगरानी रख सकता है। यह कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, जिससे आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। इतना ही नहीं, खराब से खराब मौसम में भी यह विमान आसानी से ऑपरेट होता है। इस यूएवी का वजन करीब 436 किलोग्राम है, और यह अपने साथ 136 किलो पेलोड ले जा सकता है। सर्चर 2 पर 4 स्ट्रोक इंजन लगा होता है, जिससे इसका शोर बहुत कम होता है। यही वजह है कि जासूसी के काम में यह विमान काफी कारगर साबित होता है, क्योंकि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 25 सर्चर 2 टोही विमान है, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अभी तक इसराइल भारत को बराक 1 एयर कॉम्बैट मॉनिटरिंग सिस्टम, दवोरा MK2 पेट्रोल बोट, यूएवी, नाइट विजन कैमरे, लेजर गाइडेड बम, मिग अपग्रेडिंग तकनीक, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, अवाक्स रडार दे चुका है, और इन हथियारों और तकनीक के दम पर ही हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। अजय कुमार, तेल अवीव, इसराइल, न्यूज नेशन। भारत और इसराइल के संबंध सिर्फ एक आयाम पर नहीं बल्कि बहुआयामी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हिंदुस्तान की सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने में इसराइल की सक्रिय भूमिका रही है, और भारत और इसराइल की ये दोस्ती हमारे कुछ पड़ोसियों को पसंद नहीं आती, रास नहीं आती। मसलन पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश चाहते हैं कि हिंदुस्तान और इसराइल के संबंध उतने मधुर ना रहें जितने आज हैं। इसी बाबत चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो इसराइल से अपनी दोस्ती बढ़ाए। ये बात अलग है कि इसराइल के लिए भारत का एक अलग महत्व है। हम इसराइल के सबसे बड़े रक्षा सौदों के एक तरह से दोस्त कहे जा सकते हैं। सबसे बड़े रक्षा सौदे सिर्फ भारत के साथ इसराइल ने आज तक किए हैं। इसके साथ साथ इसराइल के लोगों का संबंध हिंदुस्तान की जनता के साथ
एक अलग ही स्तर का है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन इस रिश्ते पर नकेल कसना चाहते हैं, लेकिन जब आप इसराइल के लोगों से बात करें तो यकीन हो जाता है ये दोस्ती इतनी हल्की नहीं है। भारत और इसराइल की दोस्ती से चिड़े चीन और पाकिस्तान। इसराइल के अचूक ब्रह्मास्त्र से चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। जिस तरह से इसराइल ने सरहद की सुरक्षा के लिए भारत को अपने अचूक हथियार दिए हैं और आगे भी मदद की पेशकश कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा चिंता चीन और पाकिस्तान में दिख रही है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को लगता है कि इससे भारत को अपने दुश्मनों से निपटने में बड़ी मदद होगी। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की सरहद पर जो साजिश आए दिन सामने आती रही है, उसे भारतीय फौज आसानी से नेस्तनाबूद कर सकेगी। परसों से इसराइल रक्षा के क्षेत्र में भारत की मदद कर रहा है। इतिहास गवाह है कि करगिल जंग के वक्त भी इसराइल ने अमेरिकी दबाव और अरब देशों की गोलबंदी के बावजूद भारत की मदद की थी। बताया जाता है कि उस वक्त इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को मदद ऑफर की थी, लेकिन जब इसराइल भारत के साथ आकर खड़ा हुआ तो इंडोनेशिया खुद जंग से अलग हो गया। करगिल जंग में भारत के अनुरोध पर इसराइल ने रातों रात लेजर गाइडेड बम और मानव रहित विमान भेजे थे। इसराइल ने एयरफोर्स को करीब 2000 लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाए थे, जिसके जरिए ऊंची पहाड़ी पर छिपे दुश्मनों की लोकेशन पता लगाकर खत्म करने में मदद मिली थी। इतना ही नहीं, इसराइल ने मोर्टार और तोप का गोला बारूद भी भारत को दिया था। इसराइल और भारत के रक्षा संबंध बहुत पुराने और बहुत घनिष्ठ हैं। जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसराइल ने हिंदुस्तान की उस वक्त मदद की जब शायद दुनिया में कोई भी देश हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। 1999 करगिल युद्ध का वो मौका जब पाकिस्तान से आए घुसपैठिए पहाड़ की चोटियों में कहां कहां घुसकर बैठे हैं, इसका पता हिंदुस्तान नहीं लगा पा रहा था, और ऐन मौके पर अमेरिका और रूस ने मदद से इनकार कर दिया। तब इसराइल सामने आया और इसराइल ने अपने सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तानी फौज की मदद की, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने उन तमाम बंकरों को नेस्तनाबूद किया जो दरअसल पाकिस्तान से घुसपैठिए अपने लिए बनाकर बैठे थे। करगिल की जंग के बाद भी इसराइल ने भारतीय सैनिकों को सैन्य ट्रेनिंग दी थी। पहाड़ी और बर्फ से ढके इलाकों में जवानों को डटे रहने की ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में इसराइल ने भारत को हमलावर ड्रोन देने की पेशकश भी की है, जिसकी मदद से सर्जिकल स्ट्राइक करना आसान हो जाएगा। भारत ने जब सीमा पार आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की ठानी और सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार ने उसे अंजाम दिया, तो उसके पहले इसराइल की तरफ से ये ऑफर आ चुका था कि अगर भारत चाहे तो इसराइल मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, 2008 में जब लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने मुंबई को 26/11 को हिलाकर और दहलाकर रख दिया था, उसके बाद इसराइल ने भारत सरकार से कहा था कि वो अपने 40 ऐसे सूरमाओं को भारत भेजना चाहता है, जिसके मदद से और जिसके जरिए भारत सरकार पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के तमाम कैंपों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। ये बात अलग है कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस ऑफर को इनकार कर दिया था, लेकिन आज भारत इसराइल से तो ही विमान खरीद रहा है जो कि तरह तरह के सर्वेलेंस सिस्टम्स के साथ लैस होने के साथ साथ तमाम जानकारियां हिंदुस्तान को मुहैया कराएंगी। इन्हीं कारणों से पाकिस्तान और चीन टेंशन में है, क्योंकि अगर इसराइल भारत के साथ रहता है तो चीन और पाकिस्तान जो चाल चल रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकती है।